Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Today I'm going to start the new series of agronomy module. Now we'll be discussing the first module of agronomy. So let's get started with the first module. So here's the slide and in which we'll be covering the rice, which is the major field crop. Major field crop hai rice. और आज हम राइस को कवर करेंगे. देखिए, राइस ओराइजा सताइवा इज द बोटैनिकल नेम ऑफ राइस एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली ग्रामिनी. फैमिली ग्रामिनी विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रास फैमिली. तो राइस जो है वो ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 2 एंड इक्वल्स टू है 24. डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड का मतलब होता है पेयर में, दो के पेयर में है. जो क्रोमोसोम है वो पेयर में है, टू के पेयर में है, तो दैट इज डिप्लॉयड. ये मैं आपको हॉर्टिकल्चर के जो मॉड्यूल्स थे उनमें भी मैंने बार बार आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बारे में बताया है. तो डिप्लॉयड का मतलब होता है क्रोमोसोम सेट से है इसका मतलब कि टू के सेट में जो है क्रोमोसोम है. अब देखिए, जो राइस है ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसका ओरिजिन सेंटर है साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया इज द ओरिजिन सेंटर ऑफ राइस. फाइन. अब देखिए, राइस की अगर बात करी जाए तो राइस का जो फ्रूट होता है इट इज कैरियोप्सिस. कैरियोप्सिस इज द फ्रूट ऑफ राइस एंड इन्फ्लोरेसेंस इज पैनिकल. पैनिकल इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस. देखिए, ये जो छोटे छोटे टर्म हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं राइस के रिगार्डिंग, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जा सकता है राइस का इन्फ्लोरेसेंस क्या है. नॉट इन AFO, क्योंकि AFO इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क सच ईजी क्वेश्चन इन AFO, बट इन कॉमन एग्रीकल्चर एग्जाम द क्वेश्चन रेज लाइक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट और समटाइम क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन सेंटर ऑल्सो. यू नो, इन कॉमन एग्रीकल्चर एग्जाम्स यू द क्वेश्चन कैन बी आस्क लाइक रिगार्डिंग ओरिजिन सेंटर एंड इन्फ्लोरेसेंस. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ we have discussed about the origin center. Now we'll discuss about the species. देखिए, rice की जो है 24 species हैं, well known 24 species हैं rice की, जिसमें से जो कि Oryza genus को belong करती हैं. तो Oryza genus जो है उसके अंदर rice की 24 species आती हैं, but out of 24 only two species of rice are under cultivation. Oryza sativa, which is worldwide famous species of rice, and another one is Oryza glabrima. Oryza glabrima को South Africa में cultivate किया जाता है. South Africa is the only place where Oryza glabrima is cultivated. So that is very important point. जो दो species हैं, Oryza sativa is a very common, ये worldwide जो है grow की जाती है और famous है. काफ़ी फेमस स्पीसीज है राइस की, बट जो Oryza glabrima है ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के जो प्लेसेस है, रीजन है, वहाँ पे इसे ग्रो किया जाता है. अब देखिए, जो Oryza sativa है उसे फर्दर थ्री ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है. थ्री ग्रुप में किस तरह से जो है इसे डिवाइड किया गया है, ये देखिए. इंडिका, इंडिका जो कि ट्रॉपिकल राइस के नाम से जानी जाती है और इंडिया में ग्रो होती है, इंडिया में ग्रो होती है. और ये जो है इंडिका, ये टॉल, इसका जो फिजियोलॉजी है, टॉल प्लांट होता है इसका. और जो लीफ होती हैं ब्रॉड होती हैं, लाइट ग्रीन कलर की होती है इंडिका की. नाउ नेक्स्ट वन इज जेपोनिका. देखिए, जेपोनिका जो है वो जापान में ग्रो होती है और इसे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट राइस भी जो है इसे कहा जाता है. तो जेपोनिका जो है ये ड्वार्फ टाइप प्लांट है, ड्वार्फ टाइप प्लांट है और इसकी लीफ नैरो होती है, नैरो लीफ होती है और डार्क ग्रीन कलर की होती है. इसी तरह से जेवोनिका, जेवोनिका जो है इंडोनेशिया का है और इसे वाइल्ड और बालू राइस के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड राइस और बालू राइस के. और इसकी जो है ब्रॉड लीफ होती है, ब्रॉड लीफ एंड लाइट ग्रीन कलर की होती है. एंड प्लांट इज, प्लांट जो है वो टॉल होता है. तो ये जो है इसके स्पेसिफिकेशन है. अब देखिए, जो राइस है इसका जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है इट इज़ 0.40.
0.40 इज द हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ राइस। राइस का अगर टेस्ट वेट की बात की जाए, टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 ग्राम ऑफ सीड का वेट को जो कहा जाता है टेस्ट वेट, जो 1000 ग्रेन होते हैं, 1000 ग्रेन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स, 1000 ग्रेन के जो वेट होता है उसे कहा जाता है टेस्ट वेट। अब देखिए, जो बासमती राइस होता है, उसका टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम, और जो राइस नॉर्मल नॉन बासमती राइस है उसका होता है 24 ग्राम टेस्ट वेट। तो ये टेस्ट वेट के जो रिगार्डिंग मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि टेस्ट वेट कितना होता है राइस का। अब देखिए, जो राइस है वो मेजर फील्ड क्रॉप है, मेजर फील्ड क्रॉप मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जो है ये स्टेपल फूड है वर्ल्ड का। 90% जो राइस है वो एशिया में ग्रो होता है, ओनली 10% जो है वो आउट ऑफ एशिया जो है ग्रो किया जाता है। तो और साथ ही में इंडिया की जो राइस है, इंडिया में राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप है, और ये एक्सटेंसिवली ग्रो होती है इंडिया में, एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है इंडिया में। तो ये थे राइस। अब देखिए, इसके जो प्रोटीन कंटेंट है, देखिए राइस में प्रोटीन 7% होता है, 6 to 7% ये जो है फ्लक्चुएट करता है, और अगर ब्राउन राइस की बात की जाए तो उसमें कंपैरेटिवली अदर जो वैरायटी है राइस की, ब्राउन राइस में 7.9% प्रोटीन होता है, और फैट इसमें अराउंड 2.5% होता है, 2.5% जो है फैट होता है। तो ये इसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं राइस में, देखिए प्रोटीन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए राइस में कितना प्रोटीन होता है, और राइस में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ओराइजिन, ओराइजिन इज द प्रोटीन कंटेंट इन राइस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं राइस के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे डेटा के रिगार्डिंग। देखिए, राइस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर है, एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड भी जो है राइस को बड़े अमाउंट में ग्रो किया जाता है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया सेकंड पोजीशन में है, और इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर ग्लोबल लेवल पे एरिया की बात की जाए तो एरिया में इंडिया पहले नंबर पे है और चाइना दूसरे नंबर पे। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको याद ये तीनों रखने हैं, और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना आगे आएगा, अगर एरिया की बात की जाए तो इंडिया आगे आएगा और चाइना सेकंड नंबर पे। इंडोनेशिया की जो पोजीशन है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है सेम है। तो ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इट वॉज इन ग्लोबल प्रोडक्शन। नाउ विल मूव टू मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस। देखिए, मेजर जो कंट्रीज हैं जो राइस को बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करती हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, जो टॉप 3 एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये 3 कंट्रीज हैं जो राइस को जो है एक्सपोर्ट करती हैं बड़े लेवल पे। तो दीज आर 3 कंट्रीज। और अगर मेजर इम्पोर्टर ऑफ राइस की बात की जाए तो चाइना, सऊदी अरेबिया और इराक, ये 3 टॉप कंट्रीज हैं जो बड़े अमाउंट में जो है राइस को इंपोर्ट करती हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड इराक। तो देखिए, यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं ये मेजर एक्सपोर्टर एंड मेजर इंपोर्टर हैं। अगर अब बात की जाए कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सी हैं, तो दैट विल बी डिफरेंट कि इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है राइस को। तो जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है राइस की वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर नॉन बासमती राइस या जो जो राइस की जो नॉर्मल वैरायटीज हैं वो अगर एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से, तो उनकी जो डेस्टिनेशन है नेपाल, बेनिन एंड सेंगल, ये 3 कंट्री हैं जहाँ पे जो
नॉन बासमती राइस है, जो राइस की अदर वैरायटीज हैं बासमती राइस को छोड़ के, वो एक्सपोर्ट की जाती हैं नेपाल में, बेनिन में एंड सेनेगल में। ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज हैं टॉप कंट्रीज। और अगर बासमती राइस की बात की जाए तो बासमती राइस जो है, तीन कंट्रीज जो हैं टॉप थ्री कंट्रीज, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। तो इन टॉप थ्री कंट्रीज में जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस को। देखिए, बासमती राइस और जो नॉन बासमती राइस है या जो अदर वैरायटी है राइस की, उनमें डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, जो ग्रेन साइज होता है उसका डिफरेंस होता है, प्रोटीन कंटेंट का डिफरेंस होता है, अरोमा का डिफरेंस होता है। राई, जो बासमती राइस होता है, बेसिकली अपने अरोमा के लिए और अपने जो साइज होता है ग्रेन का साइज, उसके लिए जाना जाता है। बेसिकली जो बासमती राइस में जो अरोमा होता है, इट इज़ ड्यू टू टू एसिटाइल वन पायरोलाइन, इस केमिकल कंपोजिशन के कारण जो है बासमती राइस में जो अरोमा होता है वो कॉज होता है ड्यू टू दिस केमिकल कंपोजिशन। अब देखिए, जो नॉन बासमती राइस होते हैं उनका जो ग्रेन होता है कंपैरेटिवली बासमती राइस के छोटा होता है, और बासमती राइस का जो ग्रेन होता है इट इज़ कंपैरेटिवली लॉन्ग, जो है उनका जो साइज होता है वो वेरी करता है नॉन बासमती राइस का और बासमती राइस का। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बासमती राइस एंड नॉन बासमती राइस। आगे हम ये जो है डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं अदर बासमती वराइटीज में और नॉन बासमती वराइटीज में। तो ये था, देखिए ये थे ग्लोबल लेवल का प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, जो इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। देखिए ये जो डेटा है, अगर पिछले साल का एफओ का एग्जाम देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो ये डेटा है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज, टॉप इंपोर्ट कंट्रीज, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस एफओ में पूछे जा चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा को कवर करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे डेटा को। तो अब देखिए, इंडिया में जो प्रोडक्शन है राइस का उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में यूपी एंड देन पंजाब। ये प्रोडक्शन है जो इंडिया में होता है राइस का, तीन टॉप थ्री स्टेट में। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी में पंजाब, पंजाब की प्रोडक्टिविटी जो है सबसे हाई है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर ईल्ड जो होती है वो ज्यादा है ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटी। पंजाब में जो है इरिगेशन फैसिलिटीज होने के कारण और डिफरेंट जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस या सॉइल जो है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है ईल्ड डिपेंड करती है। पर बेसिकली जो है इरिगेशन, क्योंकि राइस जो है एक ऐसी क्रॉप है जिसके लिए इनफ वाटर, सफिशियंट वाटर जो है थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड या एक मेन फेज में जो है राइस को जो है 10 टाइम्स मोर वाटर जो है चाहिए होता है कंपैरिजन टू अदर सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड विल बी डिस्कसिंग द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर राइस। देखिए, जो राइस है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को जो है प्रिफर करती है राइस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो राइस प्रिफर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, राइस जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जो है बेसिकली ग्रो किया जाता है। ये राइस जो है खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप जो है जून जुलाई के टाइम पे शो की जाती हैं, और जो है सेप्टेम्बर तक जो है इन्हें, सेप्टेम्बर और अक्टूबर से पहले पहले जो है इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप और शॉर्ट डे क्रॉप है। शॉर्ट डे क्रॉप का मतलब होता है डे लेंथ जो है इन्हें, डे लेंथ की रिक्वायरमेंट लेस देन और अप टू 12 आवर्स जो है इन्हें डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्लावरिंग और ब्लूमिंग। तो ये सारी जो है, ये इसलिए इन्हें जो है शॉर्ट डे लेंथ क्रॉप कहा जाता है, जिनको लेस जो है लाइट आवर्स की जरूरत होती है, जो लाइट पीरियड होता है वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो राइस शॉर्ट डे प्लांट है। देखिए, राइस जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में जो है बेसिकली ग्रो होता है, और ये हीट और वाटर लविंग प्लांट है, मतलब हीट लविंग और वाटर लविंग प्लांट है, और हेंस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड मोर वाटर। तो हाई टेम्परेचर और मोर वाटर जो है
रिक्वायर्ड होता है राइस के लिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? देखिए, अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए राइस के लिए, तो इट इज 21 टू 37 डिग्री सेल्सियस। 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है राइस ग्रो होता है। और देखिए, टेम्परेचर अगर ब्लूमिंग की बात की जाए, तो ब्लूमिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 26.5 टू 29.5 डिग्री सेल्सियस। ये ब्लूमिंग का टेम्परेचर है। ब्लूमिंग जो है इस रेंज के अंदर अकर करती है विदाउट एनी हिंड्रेंस। और अगर राइपनिंग टेम्परेचर की बात की जाए, तो 22-25 डिग्री सेल्सियस जो है राइपनिंग टेम्परेचर राइस को रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। अब देखिए, अगर जर्मिनेशन की बात की जाए, तो देखिए जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है, तो जर्मिनेशन जो है पुअर जर्मिनेशन होगा। 10 जो है वो मिनिमम लिमिट है। मिनिमम टेम्परेचर मतलब 10 से नीचे जो है टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज मिनिमम लिमिट फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस। तो ये थे टेम्परेचर के रिगार्डिंग, राइस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और अगर देखिए रेनफॉल की बात की जाए, तो रेनफॉल जो है वो 1000 सॉरी इट इज एन टाइपिंग मिस्टेक 1000 टू 1500 mm, 1000 टू 1500 mm जो एरियाज में रेनफॉल होता है, उन्हीं एरियाज में जो है राइस को कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि राइस के लिए सफिशिएंट वाटर का होना जो है वो नेसेसरी है। देखिए, जो नॉर्मल जो राइस होते हैं, सेमी एक्वेटिक राइस, वो 5000 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस। 1 kg ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने के लिए राइस रिक्वायर्स 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। लेकिन अगर एरोबिक राइस की बात की जाए, एरोबिक राइस जो है जस्ट हाफ 2500 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस। देखिए, जो एरोबिक राइस है, इट इज एक्चुअली अ मेथड ऑफ ग्रोइंग राइस, जिसमें वेल ड्रेन्ड एरियाज होते हैं, उसमें एरोबिक वराइटीज को जो है ग्रो किया जाता है इन नॉन पडल्ड लैंड। और यहाँ पे जो है, जो रेनफेड राइस होता है, जिस तरह से रेनफेड राइस को ग्रो किया जाता है, उसी तरह से एरोबिक राइस को भी जो है रेनफेड एज अ रेनफेड क्रॉप जो है ग्रो किया जाता है विद और विदाउट एनी सप्लीमेंटल इरीगेशन। यहाँ पे बेसिकली जो है ये अपलैंड में किया जाता है। अपलैंड इज अ फ्लैट लैंड। अपलैंड जो है फ्लैट लैंड होती है, जहाँ पे जो है सॉइल मॉइस्चर में ही राइस को डायरेक्ट सीडिंग की जाती है। ये डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू इसे ग्रो किया जाता है। इट इज ऑल्सो एन मॉइस्चर कंजर्वेशन मैथड ऑफ राइस ग्रोइंग। ये जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए भी इस मैथड को जो है अडोप्ट किया जाता है एरोबिक राइस को। और यहाँ पे जो है वेल ड्रेन्ड एंड वेल एरिएटेड सॉइल्स में जो है राइस की सीडिंग की जाती है। तो दिस इज एरोबिक राइस, ठीक है। और दिस इज सेमी एक्वेटिक राइस जो है, जिसमें 5000 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जो है 1 kg ऑफ राइस ग्रेन को ग्रो करने के लिए। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। तो एरोबिक राइस के लिए 25 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स ऑल अबाउट एरोबिक एंड सेमी एक्वेटिक राइस। अब देखिए, जो एल्टीट्यूड होता है राइस के लिए, अराउंड 3000 मीटर का एल्टीट्यूड में जो है राइस को ग्रो किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। नाउ विल मूव टू सॉइल। देखिए, सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, क्योंकि राइस के लिए ऐसी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कॉन्टेंट सॉइल में जो है हाई लेवल का होना चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है वो सॉइल में होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं सॉइल में होने चाहिए फॉर राइस कल्टीवेशन। अब अगर बेसिकली बात की जाए राइस की, तो राइस जो है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में जो है ग्रो किया जा सकता है, फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन सॉइल। बट इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ राइस, बिकॉज फ्यू वैरायटीज विच एक्चुअली फेवर्स द low pH, and there are few varieties which actually can grow up to an pH of 8.5.
कुछ वेराइटीज हैं जो एल्कलाइन सॉइल में भी ग्रो की जा सकती हैं, बट बेसिकली अगर कॉमन लेवल पे, एवरेज लेवल पे बात की जाए तो जो वेराइटीज होती हैं वो बेसिकली 4 to 5 एवरेज रेंज जो है सॉरी पीएच की, वो 4 to 5, 4 to 6 है. 4 to 6 जो है पीएच सॉइल में होना चाहिए फॉर राइस कल्टिवेशन. दिस इज एन एवरेज पीएच. बट राइस जो प्रिफर करता है पीएच, इट इज एक्चुअली 5.5 to 6.5. 5.5 to 6.5 का जो पीएच है ये राइस प्रिफर करता है. एवरेज बेसिस पे जो है वो 4 to 6 है. अब देखिए, जो राइस होता है वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए सॉइल में, गुड अमाउंट ऑफ क्ले होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर. तो ये सारे जो फैक्टर्स अगर सॉइल में हैं तो दैट इज एन आइडल सॉइल फॉर राइस कल्टिवेशन. बेसिकली क्ले लोम सॉइल, क्ले सॉइल जो है मोस्ट सुटेबल होती हैं राइस के कल्टिवेशन के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर राइस. नाउ विल मूव टू फर्दर. हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में जो है सीजन की बात करते हैं. देखिए सीजन जो है, देखिए राइस मैंने आपको बताया एक खरीफ क्रॉप है. तो खरीफ क्रॉप है तो इसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू खरीफ जो सीजन होगा वो जून जुलाई होगा शोइंग का. और जो जून जुलाई में जो है शोइंग होती है, मतलब मॉनसून के टाइम पे, जिस टाइम पे जो है सॉइल में सफिशियंट मॉइस्चर होता है. तो दिस इज एक्चुअली अ कॉमन मैप, कॉमन सीजन जून जुलाई. लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, जो वेस्ट बंगाल में मोस्टली 3 सीजन होते हैं, लाइक ऑस, अमन एंड बोरो. ये 3 सीजन हैं जो वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में जो है, जहाँ पे 3 क्रॉप जो हैं राइस की ग्रो की जाती हैं. अब देखिए, अगर ऑस की बात की जाए तो ऑस वाला अप्रैल टू मई. अगर देखिए आपको इसे याद रखना है, एक पैटर्न में आप इसे याद रख सकते हैं, आप अमन से याद रखिए. देखिए अमन वाला जो सीजन है इट इज जून जुलाई. जून जुलाई द बेसिक कॉमन जो सीजन होता है, जून जुलाई खरीफ सीजन. अब देखिए जून जुलाई से पहले अप्रैल में इज द ऑस, ठीक है, और जून जुलाई के बाद नवंबर दिसंबर इज बोरो. बोरो को जो है स्प्रिंग, स्प्रिंग राइस भी जो है कहा जाता है. तो ये 3 सीजन हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं. ये जो है इनके जो नाम हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ऑस, बोर, अमन एंड बोरो. ये जो है डायरेक्टली इसी नाम से जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऑस का जो टाइमिंग है, जो सीजन है वो किस टाइम पे है, शोइंग कब की जाती है. तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे राइस की जो है 3 क्रॉप्स तक जो है ग्रो की जाती है. तो वहाँ पे ये जो सीजन है फॉलो किया जाता है. और अगर कॉमन सीजन की बात की जाए तो दैट इज जून जुलाई. जून जुलाई जो है वो एक कॉमन सीजन है जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ पे जहाँ पे सिंगल क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, तो वहाँ पे जून जुलाई वाला जो सीजन है वो फॉलो किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दी सीजन ऑफ राइस. जो शोइंग सीजन है, किस टाइम पे शोइंग की जाती है, तो वो सीजन. नाउ विल टॉक अबाउट दी सीड रेट. देखिए राइस का सीड रेट होता है अकॉर्डिंग टू मैथड, अकॉर्डिंग टू वेराइटी, और जो है किस तरह से जो है राइस का जो है किस तरह से ग्रो किया जा रहा है, कौन सा मैथड अडेप्ट किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है. देखिए अगर ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि फील्ड में जो है किस विदाउट विदाउट एनी मेजरमेंट, विदाउट एनी इक्विपमेंट जो है सीड को जो है जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मतलब छिड़कते हैं सीड को फील्ड में, तो दैट इज ब्रॉडकास्टिंग. इसमें कोई भी मेजरमेंट फॉलो नहीं किया जाता, इसमें जस्ट सीड को जो है फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक जो है ब्रॉडकास्टिंग की जाती है सीड की फील्ड में, और इसमें 100 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग जो है सीड को लिया जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड में. अगर हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड जो है 15 kg पर हेक्टेयर लिया जाता है इफ इट इज हाइब्रिड वेराइटी. अगर SRI मेथड यूज किया जा रहा है, देखिए SRI मेथड जो है ये है, आप SRI मेथड को जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें जो सीड रेट लिया जाता है वो 6 to 7 kg लिया जाता है. 6 to 7 kg इसमें जो है सबसे पहले नर्सरी में जो है सीड को शो किया जाता है. 6 to 7 kg सीड नर्सरी में शो किया जाता है फॉर 100 m2. 100 m2 एरिया में जो है 6 to 7 kg सीड को
नर्सरी में जो है लगाया जाता है, और ये जो नर्सरी तैयार की जाती है 100 मीटर स्क्वायर में, इट इज एक्चुअली फॉर दी 1 हेक्टेयर एरिया। तो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए जो है 100 मीटर स्क्वायर की जो नर्सरी होती है उसमें SRI मेथड में 6 to 7 kg जो है सीड लगाए जाते हैं, शो किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज दबोंग मेथड। दबोंग मेथड में देखिए 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर का जो है एरिया होता है, और दबोंग मेथड के लिए 25 to 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर का एरिया जो होता है दबोंग मेथड में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन ट्रांसप्लांटिंग मेथड, जिसमें जो है मैट में या कॉन्क्रीट में या जो वुडन प्लैंक होते हैं उसमें जो है सॉइल को एक लेयर उसमें लगाई जाती है, और फिर जो है सीड्स को सो किया जाता है। तो ये दबोंग मेथड है जिसमें 1.5 to 3 kg ऑफ सीड पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और ये भी जो है 1 हेक्टेयर लैंड के लिए जो है ये दबोंग मेथड यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है ड्रिलिंग। देखिए ड्रिलिंग में जो है ड्रिलिंग इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, जिसमें जो ड्रिलर होता है वो सॉइल में होल करके एक जो है प्लो के पीछे ड्रिलर लगाया जाता है, जिसमें सीड्स रखे होते हैं, और वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे एक प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सीड को एक लाइन में जो है शो करते हुए जाते हैं फील्ड में। तो दैट इज ड्रिलिंग मेथड। देखिए ड्रिलिंग मेथड के एडवांटेज हैं कि जो सीड है वो वेस्ट नहीं होता है, और एक प्रॉपर डिस्टेंस में, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में जो है सीड शो होता है सॉइल में, तो इससे जो है वेस्टेज नहीं होता है सीड का। और इस मेथड के जरिए जो है ड्रिलिंग के जरिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसमें जो है फर्टिलाइजर भी जो है साथ में सीड के साथ अप्लाई किया जा सकता है। तो दैट इज़ एडवांटेज, जिससे जो है टाइम सेविंग प्रोसेस है, टाइम बचता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और सीड सोइंग, दोनों जो मेथड हैं, दोनों जो अलग अलग मैनेजमेंट हैं उन्हें साथ में किया जा सकता है। तो इट इज ड्रिलिंग मेथड। तो इट इज ऑल अबाउट द सीड रेट ऑफ राइस, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड में जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में किया जाता है। नाउ विल मूव टू वेराइटीज। देखिए वेराइटीज की बात की जाए तो जो राइस की वेराइटीज होती हैं इधर शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम रेंज वेराइटी एंड लॉन्ग डे वेराइटी। अब देखिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हैं वो अप टू 120 डेज का टाइम लेती हैं मेच्योर होने में, या लेस देन 120 डेज, ठीक है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जैसे नवारी हो गया, एडीटी एडीटी 48, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। अराउंड 95 to 100 डेज या अप टू 120 डेज तक का जो टाइम होता है, लेस देन 120 डेज बेसिकली। तो एडीटी 48 जो है 95 to 100 डेज लेती है मच्योर होने में, एंड इट इज़ एन शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी। नाउ विल मूव टू मीडियम रेंज वेराइटी। अगर मीडियम रेंज वेराइटी की बात की जाए तो ये 120 to 150 डेज जो है लगाती हैं। जैसे IR20 जो है वो मीडियम रेंज वेराइटी है, IR20, भवानी, CO43, CO43 भी जो है मीडियम रेंज वेराइटी है, जो 120 to 150 डेज लेते हैं फॉर मेच्योरिटी। नाउ नेक्स्ट इज अ लॉन्ग डे वेराइटी। लॉन्ग डे वेराइटी जो है ग्रेटर देन 150 डेज, ग्रेटर देन 150 डेज जो है ये लेते हैं मेच्योरिटी के लिए। और लॉन्ग डे वेराइटी से पुन्नमानी जो है वो लॉन्ग डे वेराइटी है, और जवाहर हो गया, सांबा मंसूरी ये भी जो है लॉन्ग डे वेराइटी है। देखिए वेराइटी जो है राइस की बहुत रेंजेस हैं सॉइल सॉरी राइस की वैरायटीज में, रेंज ऑफ वैरायटीज जो है राइस के अंदर आपको मिलेंगी, फ्रॉम शॉर्ट ड्यूरेशन टू लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी, एसिडिक टॉलरेंट वैरायटी। तो राइस में जो है वैरायटीज की जो है बहुत सारी रेंजेस, बहुत सारी वेरिएबिलिटी जो है राइस की वैरायटीज में है। देखिए राइस की वैरायटी जो है इंडिया में जो डेवलपमेंट है राइस की वैरायटी का वो 1964 से स्टार्ट हुआ, जब ताइचुंग नेटिव वन TN1 जो वैरायटी है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, और तब से जो है जो इम्प्रूवमेंट है राइस वैरायटी का, एक इरा जो है राइस वैरायटी की डेवलपमेंट की स्टार्ट हुई इंडिया में, और तब से लेकर अब तक जो है बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो राइस की इम्प्रूव वैरायटीज़ जो हैं रिलीज हो चुकी हैं। देखिए TN1 ताइचुंग नेटिव वन को 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और उसके बाद जो है IR8 जो है सेकंड वैरायटी है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, फ्रॉम द IRRI
जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो है IR-8 को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1965 में ये इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। ये है सेकेंड वेराइटी जो TN-1 के बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। और उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं जो इम्प्रूव वेराइटीज़ इंडिया में जो है इम्प्रूव वेराइटी तैयार की गई इंडिया में, जिससे राइस के प्रोडक्शन में, राइस की क्वालिटी में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। एक जया वेराइटी जिसे मिरेकल राइस कहा जाता है, ये जो है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो ये वेराइटी जो है क्रॉस से प्रिपेयर की गई है, जया को प्रिपेयर किया गया है TN-1 और टाइप 141 के क्रॉस से। तो जया द मिरेकल राइस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ ताइचुंग नेटिव 1 TN-1 विथ टाइप 141। तो इन दोनों के क्रॉस से जो है जया वैरायटी को प्रिपेयर किया गया, रिलीज की गई ये 1968 में। तो जया वैरायटी रिलीज हुई 1968 में। तो इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज जो हैं रिलीज की गई फ्रॉम 1964 टू टिल नाउ। 1964 जब फर्स्ट वैरायटी जो है राइस की इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके बाद से अभी तक राइस की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो है इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं और जो बहुत ही अच्छा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइस वैरायटी इन इंडिया। नाउ वी विल मूव टू फर्दर टू नेक्स्ट स्लाइड। Here's the next slide and here we'll be discussing about some variety of rice. Rice की variety जो India में famous है, like Ratna rice की जो है important variety है और ये बहुत famous variety है India में। Jaya miracle rice जो मैंने आपको बताया, Rasi, Triveni, Mandya, Swarn Prabha, Red Annapurna, Aishwarya और Basmati, ये जो हैं कुछ India में famously और commonly grow होने वाली variety हैं ऑल ओवर दी इंडिया। इंडिया के जो है स्टेट में ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ग्रो की जाती हैं और फेमस है इंडिया में। तो दिस इज फेमस वैरायटी ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बासमती राइस की। देखिए बासमती राइस नोन फॉर इट्स अरोमा एंड साइज ऑफ ग्रेन। अपने ग्रेन जो ग्रेन का साइज होता है बासमती राइस का और अरोमा जो होता है, बेसिकली इन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के लिए जो है बासमती राइस को जाना जाता है। और बासमती राइस पूसा बासमती वन जो है फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट हाई यील्डेड ड्वार्फ वैरायटी है, जो कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो है रिलीज की गई थी और ये हाई यील्डेड वैरायटी है पूसा बासमती वन। अब देखिए जो बासमती राइस है ये बासमती 370, बासमती 385 और 1121 ये एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन वैरायटी हैं। मतलब इनका जो ग्रेन साइज होता है इट इज़ बेसिकली वेरी लार्ज कंपेरिजन टू अदर बासमती राइस। देखिए PB-1 जो है पूसा बासमती 1 जो मैंने आपको बताया, पूसा बासमती 1 IARI से रिलीज हुई है और वर्ल्ड की फर्स्ट हाई यील्डेड ड्वार्फ वैरायटी है। देखिए फ्रेग्रेंट राइस में पूसा बासमती 2 आल्सो कॉल्ड सुगंधा 2। देखिए ये अपने अरोमा के लिए बेसिकली जानी जाती है फ्रेग्रेंट राइस। इनमें जो अरोमा होता है, एक जो खुशबू होती है उसके लिए ये जाना जाता है। पूसा बासमती 3 एंड RS-10 तो ये जो हैं बेसिकली फ्रेग्रेंट राइस वैरायटी हैं जो वर्ल्ड वाइड जो हैं ग्रो की जाती हैं और हाई लेवल पे जो है इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से, क्योंकि बासमती राइस की जो डिमांड है आउट ऑफ इंडिया इट इज़ वेरी हाई। इंडिया जो है बासमती राइस के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इंडिया में वाइड रेंज ऑफ बासमती राइस जो है वो कल्टिवेट होता है और जो अरोमा होता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच अट्रैक्टिव फैक्टर और एज वेल एज जो क्वालिटी है बासमती राइस की दैट इज बेसिकली द अरोमा। तो इंडिया जो है बासमती राइस के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो है वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में जो नॉन बासमती राइस की कुछ वेराइटी हैं और उनके फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इंद्रयानी जो है एक हाइब्रिड
है जो कि महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है, और इसने जो है रिप्लेस किया है अंबे मोहर वैरायटी को, अंबे मोहर वैरायटी है उसे रिप्लेस किया है इंद्रियानी ने, और देखिए ये महाराष्ट्र रीजन में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट वन जो है PR126, PR126 जो है ये डेवलप हुई है PAU में टू कंट्रोल दी एयर पोल्यूशन, एंड इसकी जो यील्ड है 30 क्विंटल पर एकड़ है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो है ये PR126 को जो है रिलीज किया गया, और इसे किया गया है टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। देखिए एयर पॉल्यूशन इसलिए क्योंकि राइस फील्ड से जो है मीथेन गैस रिलीज होती है राइस फील्ड से, विच इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। अरे एनवायरनमेंट के लिए, एटमोसफेयर के लिए जो है मीथेन गैस हार्मफुल होती है, तो उसको कम करने के लिए जो है इस वैरायटी को रिलीज किया गया PR126। नाउ थर्ड वन इज सूरती कोलम। सूरती कोलम जो है ये गुजरात रीजन से जो है गुजरात में ग्रो की जाती है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज इजी च्यूएबिलिटी है इसकी। च्यूएबिलिटी का मतलब होता है ये इजीली च्यू होती है, मतलब इसका जो सीड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है सूरती कोलम का, और ये देखिए गुजरात से है ना। गोविंद भोग, देखिए गोविंद भोग जो है वेस्ट बंगाल की वैरायटी है, और इसे जो है वेस्ट बंगाल में GI टैग भी जो है गोविंद भोग वैरायटी को राइस की मिला है वेस्ट बंगाल के लिए। तो देखिए गोविंद भोग के रिगार्डिंग ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि गोविंद भोग को GI टैग मिला है वेस्ट बंगाल का। नाउ नेक्स्ट वन इज तुलाई पांजी। देखिए तुलाई पांजी भी वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल में वाइडली ग्रोन की जाती है। नेक्स्ट वन इज मोला कोलुल्लू। मोला कोलुल्लू जो है ये इसे जो है कॉल्ड नेलोर ग्रोइंग जो है ये आंध्र प्रदेश और असम और तमिलनाडु जैसे एरियाज में जो है ये ग्रो की जाती है। सॉरी नेक्स्ट वन इज पोनी राइस। देखिए पोनी राइस तमिलनाडु में ग्रो की जाती है, और पोरियोत्यन चक्काउ ये देखिए एरोमेटिक डार्क रेड राइस है फ्रॉम मणिपुर, ये मणिपुर में जो है ग्रो होता है। देखिए नवारा, नवारा जो है एक मेडिसिनल राइस है जो कि केरला में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जोहा राइस। जोहा असम का है, असम की में जो है ये लार्जेस्ट अमाउंट में ग्रो किया जाता है जोहा राइस। नेक्स्ट वन इज BPT राइस। देखिए BPT राइस जो है आंध्र प्रदेश में जो है वाइडली ग्रो किया जाता है। तो दीज आर सम वेराइटीज विच आर नॉन बासमती वेराइटी। नॉन बासमती मतलब ऑर्डनरी राइस वेराइटी हैं जिनकी अपने अलग अलग फीचर्स हैं, अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिए जो है इन्हें डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्रो किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। साइट और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फर्टिलाइजर की। देखिए राइस में जो फर्टिलाइजर यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए NPK का जो अमाउंट है राइस में वो 100:60:60 के रेशियो में दिया जाता है। तो देखिए इसको इजीली याद कर सकते हैं 100:60:60। तो इस रेशियो में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का अमाउंट राइस में ऐड किया जाता है। अब देखिए इसमें अलग से 25 kg जिंक को जो है पडलिंग के टाइम पे, एट लास्ट पडलिंग जो है अप्लाई किया जाता है जिंक को, और 25-30% जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है जो रिड्यूस्ड होती है बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और 25-30% जो है ये रिड्यूस करती है आपकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को, मतलब इतना जो है ये इसका केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन को रिड्यूस करती है, और क्या करती है बायोलॉजिकल फिक्स करती है नाइट्रोजन को। देखिए इसके बारे में डिटेल में हमने जो सॉइल साइंस का जो एक मॉड्यूल है बायो फर्टिलाइजर, आई थिंक द लास्ट मॉड्यूल और द सेकेंड लास्ट मॉड्यूल, इन दोनों में से एक मॉड्यूल में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करती है, किस तरह से जो है ये प्रोसेस होती है। आई हैव डिस्कस्ड इट ऑल इन दैट मॉड्यूल। यहाँ पे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो बायो फर्टिलाइजर है वो यूज किया जाता है राइस में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डायरेक्टली कई बार ये पूछा जाता है कि राइस में जो बायो फर्टिलाइजर यूज होता है कॉमनली वो कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एजोला फर्न पे ग्रो करता है, एजोला फर्न पे। ठीक है, तो ये तो है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट राइस के लिए।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइस कल्टीवेशन की। जो राइस कल्टीवेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपलैंड राइस, लोलैंड राइस, दबोंग मेथड, एसआरआई मेथड। तो ये सारे ही जो मेथड हैं ये मेथड फॉलो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू लैंड, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू वेराइटी। तो ये सारे मेथड जो हैं इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले दबोंग मेथड की बात करते हैं जिसका सीड रेट मैंने आपको बताया 1.223 केजी सीड रेट जिसमें है दबोंग मेथड में, या समटाइम 3-4 केजी। तो ये जो है वेरी करता है, कहीं पे आपको 3-4 केजी मिलेगा, कहीं पे आपको 1.523 केजी लिखा होगा। तो अराउंड 3 केजी जो है वो एवरेज है। तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है आपको पता होना चाहिए, 3-4 केजी जो है इतने तक जो है आपको वेरी करता है ये। तो एक्यूरेट तो मैंने आपको बताया, जो भी न्यूमेरिक डेटा होते हैं वो एक्यूरेट एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, वो या तो राउंड अबाउट पूछे जाएंगे या उनका एवरेज जो है वो पूछा जाता है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। तो देखिए दबोंग मेथड की बात करते हैं तो दबोंग मेथड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया फिलीपींस से जो है दबोंग मेथड, फिलीपींस में जो है ये दबोंग मेथड इमर्ज हुआ और वहां से जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया फिलीपींस से दबोंग मेथड को। बेसिकली दबोंग मेथड में जो मेन जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें जो सीडलिंग ग्रो की जाती हैं वो वुडन प्लैंक के ऊपर की जाती हैं, उसमें एक सॉइल की लेयर जो है, सॉइल की लेयर को लगाया जाता है, और या फिर कॉन्क्रीट में सॉइल की लेयर को, या जो है प्लास्टिक के ऊपर जो है सॉइल को रखा जाता है, सॉइल की एक लेयर को जो है स्प्रेड आउट किया जाता है प्लैंक, वुडन प्लैंक के ऊपर या कॉन्क्रीट के ऊपर, और उसमें जो है सीड सोइंग की जाती है। तो इसे जो है मैट नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब जो है जो सीडलिंग जो है सॉइल में स्टैब्लिश होने लगती है तो ये सॉइल को जो है रूट जो है सॉइल में अपनी ग्रिप बना लेती है, और फिर इस तरह से जो है इसे पूरे ही जो है जो मैट जैसा जो स्ट्रक्चर है, मैट जैसा जो लेआउट है वो फॉर्म हो जाता है। इसलिए जो है इसे मैट नर्सरी भी कहा जाता है। तो देखिए दबोंग मेथड में जो सीडलिंग्स होते हैं वो ट्रांसप्लांटिंग के तैयार हो जाते हैं 12-14 डेज में। ठीक है, कहीं पे आपको 11 भी दिखेगा लेकिन 12 जो है वो एवरेज है। 12 के बाद जो है 12-14 डेज के बीच में जो है सीडलिंग्स को पुल आउट कर दिया जाता है वुडन प्लैंक से या कॉन्क्रीट से, जो जहां पे भी जो है इन्हें सो किया गया है, और वहां पे जो है जब ये 12th डे मतलब 12 दिन की जब सीडलिंग्स हो जाती हैं तो इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और जो सीड रेट है मैंने आपको बता दिया है, सीड रेट 3-4 केजी या 1.5-3 केजी का जो है सीड रेट होता है, जो पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिया जाता है फॉर 1 हेक्टेयर लैंड। और इसमें जो एरिया होता है वो 20-30 मीटर स्क्वायर, 20-30 मीटर स्क्वायर का एरिया एक हेक्टेयर की लैंड के लिए जो है लिया जाता है। तो इसमें जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका सीड रेट है, ये एरिया जो है, और जो डेज होते हैं 12th डे में जो है सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है राइस की वो अकॉर्डिंग टू सीजन जो है, अकॉर्डिंग टू सीजन की जाती है। जैसे रवि सीजन में जो सीडलिंग्स होती हैं उन्हें 30-35 डेज आफ्टर शोइंग जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर खरीफ सीजन है तो 22-25 डेज आफ्टर शोइंग उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है। और दबोंग में मैंने आपको बताया 12-14 डेज में जो है ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। और इसी तरह से एसआरआई में भी जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है उसमें भी जो है अराउंड 14 डेज में सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है आफ्टर शोइंग। तो ये था दबोंग मेथड जो कि फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं ट्रांसप्लांटेड पडल्ड लो लैंड राइस की। पडलिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है राइस का। पडलिंग का मतलब होता है स्टैग्नेटेड कंडीशन जब होती है, मतलब राइस में जब फ्लडेड कंडीशन होती है, जब 5 सेंटीमीटर तक का जो है 5-10 सेंटीमीटर तक जो है वाटर जब फील्ड में होता है, सीडलिंग जब राइस जो है फील्ड में स्टैब्लिश हो जाता है, फ्लडेड कंडीशन होती है राइस की, तो उस टाइम पे जो है पडलिंग की जाती है। पडलिंग एक वुडन
पडलर जो होता है, पडलर बेसिकली राइस के लिए यूज किया जाता है, तो पडलिंग की जाती है राइस में ताकि जो है बेटर एरिएशन हो सके। पडलिंग बेसिकली सॉइल एग्रीगेट्स को ब्रेक करने के लिए की जाती है, जो सॉइल के क्लॉट्स होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बनी रहे, मेंटेन रहे, बेटर एरिएशन रहे सॉइल में, और जो वीड्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है पडलिंग की जाती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है सॉइल का। और ये जो है जो एक्सेसिव एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट होता है उसे भी जो है ये रिमूव कर देता है फील्ड से। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस हैं पडलिंग की। ये पडलिंग से जो है जो बल्क डेंसिटी होती है सॉइल में वो जो है इंक्रीज हो जाती है पडलिंग से। इट इज़ अबाउट 1.4 to 1.7। और इक्विपमेंट मैंने आपको बताया, पडलर जो है पडलर यूज होता है पडलिंग के लिए। बेसिकली पडलर राइस में ही जो है यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पडलिंग। ये पडलिंग स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो राइस में होता है। अब देखिए नेक्स्ट लो लैंड राइस की बात करते हैं। देखिए लो लैंड राइस जहाँ पे मॉइस्चर मतलब वाटर एक्यूमुलेशन किया जाता है, दैट इज लो लैंड राइस, ठीक है। और ऐसे ही अपलैंड राइस होता है जो फ्लैट लैंड होती है। देखिए लो लैंड राइस बेसिकली रिलेट करता है फ्लडेड कंडीशन से, फ्लडेड कंडीशन और इरिगेटेड कंडीशन, जहाँ पे जो है लैंड में वाटर को एक्यूमुलेट किया जाता है। मतलब फ्लडेड कंडीशन राइस को, जो राइस जो है फ्लडेड कंडीशन में ग्रो होता है, और इसी को जो है लो लैंड राइस भी कहा जाता है। अब देखिए लो लैंड राइस में वेट नर्सरी और ड्राई नर्सरी दो तरह से जो है नर्सरी को प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है मेन फील्ड में। तो अब देखते हैं कि जो वेट नर्सरी है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। देखिए वेट नर्सरी में पहले जो है एरिया को सिलेक्ट किया जाता है वेट नर्सरी में, जो कि 20% होता है, जो कि होता है 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है नर्सरी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और उसमें जो है सीड रेस किया जाता है। देखिए सीडलिंग को रेस करने के लिए, ये लोलैंड राइस है तो इसमें जो है सफिशियंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर सोर्स के जो है वाटर सोर्स के नज़दीक जो है नर्सरी को स्टैब्लिश किया जाता है, और यहाँ पे जो है सीडलिंग को रेज किया जाता है फॉर 1 हेक्टेयर। और फॉर 1 हेक्टेयर लैंड के लिए 20% एरिया में सीडलिंग को रेज किया जाता है वेट नर्सरी में। देखिए वेट नर्सरी में सीड रेट जो होता है वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर राइस जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो उसका जो सीड रेट होगा इट विल बी अराउंड 60 kg, 60 kg। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है तो 30 kg जो है सीड रेट लिया जाएगा। और अगर मीडियम रेंज है तो अराउंड 40 kg तक का जो है सीड रेट लिया जाता है। और फॉर हाइब्रिड वेराइटीज इट इज 20 kg। तो इस तरह से जो है सीड रेट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वेट नर्सरी के लिए लिया जाता है। और देखिए वेट नर्सरी में 25 डेज, आफ्टर 25 डेज जो है सीडलिंग को पुल आउट कर दिया जाता है फील्ड से, नर्सरी से, और उसे जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ये वेट नर्सरी है जो कि लो लैंड राइस के अंदर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्राई नर्सरी। देखिए ड्राई ड्राई नर्सरी में भी जो है 20% एरिया लिया जाता है फॉर सीडिंग्स। और इसमें जो सीड रेट होता है ड्राई नर्सरी में, जो सीड रेट होता है इट इज एज वेट नर्सरी। जो वेट नर्सरी में सीड रेट है वही जो है ड्राई नर्सरी में लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ द राइस वेराइटी। जो ड्यूरेशन होती है राइस वेराइटी की, लॉन्ग ड्यूरेशन है या शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन है या मीडियम ड्यूरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीड रेट ड्राई नर्सरी के लिए लिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ड्राई नर्सरी यूज हुआ है इट इज़ बेसिकली ड्राई फ्लो फ्लैट
filled with fine tilth. यहाँ पे जो है moisture comparison to wet nursery जो है कम होता है, मतलब dry feel होता है within with not much of moisture in the soil. Fine tilth जो है soil feel का होना चाहिए और उसमें जो है showing की जाती है. तो this is basically the difference. और जो यहाँ पे जो seedlings होते हैं, जब fourth लीफ उसमें जो है इमर्ज होने लगती है, जब फोर्थ लीफ स्टेज सीडलिंग अकर कर लेती है या गेन कर लेती है, तो उस टाइम पे जो है इसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए फील्ड से पुल आउट कर लिया जाता है इन ड्राई नर्सरी में. तो दिस इज ऑल अबाउट द वेट नर्सरी एंड द ड्राई नर्सरी. अब देखिए मेन फील्ड मैनेजमेंट जो होता है, देखिए मेन फील्ड मैनेजमेंट में जो है फील्ड को फ्लड किया जाता है 1 or 2 days बिफोर प्लोइंग एंड अलाउ वाटर टू सोक इन. वाटर को जो है सॉइल में सोक इन होने दिया जाता है, मतलब ऑब्जर्व होने दिया जाता है, ताकि जो सॉइल है उसमें वाटर जो है वो अच्छे से रिटेन हो जाए. वाटर डेप्थ को देखिए 2.5 सेंटीमीटर जो है वाटर डेप्थ रखी जाती है एट द टाइम ऑफ पडलिंग. पडलिंग मैंने आपको बताया फ्लडेड फील्ड में जो है पडलर से सॉइल एग्रीगेट्स को ब्रेक किया जाता है, जिससे जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है यूनिफॉर्म होती है, सॉइल में बेटर एरिएशन होता है, जो वीड होती हैं वो रिमूव होती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉइल में. तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं पडलिंग के. तो ये जो है मेन फील्ड मैनेजमेंट है, जिसमें मेन फील्ड को जो है प्रिपेयर किया जाता है प्लोइंग और पडलिंग करके. जो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग. देखिए ट्रांसप्लांटिंग जो है वो 2 to 3 सीडलिंग्स पर हिल. देखिए हिल्स जो होती हैं उसमें 2 to 3 सीडलिंग्स को जो है पर हिल लगाया जाता है आफ्टर 18 to 20 डेज फॉर शॉर्ट डे वराइटीज. शॉर्ट डे वराइटीज के लिए 18 to 22 डेज के लिए जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है आफ्टर 18 to 22 डेज फॉर शॉर्ट डे वराइटीज. सीडलिंग 2 सीडलिंग्स पर हिल लगाई जाती हैं इन मीडियम रेंज जो वैरायटी होती हैं उनमें 25 to 30 डेज के बाद जो है 2 सीडलिंग्स पर हिल लगाई जाती हैं. देन 2 सीडलिंग्स पर हिल जो है 35 to 40 डेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी. तो देखिए ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी ट्रांसप्लांटिंग का जो डेज होते हैं, मतलब आफ्टर शोइंग जो डेज होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि जो वैरायटी है लॉन्ग ड्यूरेशन है या मीडियम ड्यूरेशन है या शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है. तो इस पे भी जो है ये फैक्टर डिपेंड करते हैं कि जो ड्यूरेशन होती है वो. देखिए अगर शॉर्ट डे है तो जो ड्यूरेशन है वो कम है, फिर देखिए जो मीडियम है उसमें 25 to 30 डेज है और जो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन है उसमें देखिए 35 to 40 डेज बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ठीक है. और अगर एल्कलाइन सॉइल है, देखिए एल्कलाइन अगर सॉइल है तो उसमें 45 डेज के बाद जो है सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि 45 डेज तक सीडलिंग जो होती है वो एल्कलाइन सॉइल के लिए जो है मैच्योर हो चुकी होती है और वो जो है इजीली इस्टेब्लिश हो जाती है एल्कलाइन सॉइल में, बेयरेबल होती है. जो सीडलिंग्स होती है इतनी टेंडर स्टेज में नहीं होती है कि जो है अफेक्ट हो जाए सॉल्ट से. तो इसीलिए जो है जब तक वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होती है एक पर्टिकुलर जो फीचर्स होते हैं वो गेन नहीं कर लेती, तब तक जो है उसे एल्कलाइन सॉइल में जो है प्लांट नहीं किया जाता, ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता. तो एल्कलाइन सॉइल में अराउंड 45 डेज के बाद जो है प्लांटिंग की जाती है, ठीक है. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्लांटिंग सीडलिंग इन द मेन फील्ड. किस तरह से जो है सीडलिंग्स को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी बात करते हैं. देखिए यहाँ पे भी ड्यूरेशन, स्पेसिंग और हिल्स की बात हो रही है. देखिए अगर मीडियम टू लो फर्टिलिटी है सॉइल और हाई फर्टिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है. देखिए जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है अराउंड, देखिए अगर शैलो प्लांटिंग की जा रही है तो 3 सेंटीमीटर की जो है डेप्थ शैलो प्लांटिंग की होती है और डीप प्लांटिंग की होती है 5 सेंटीमीटर की. तो ये जो है डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर. तो देखिए मेन फील्ड में जो प्लांटिंग की जाती है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो स्पेसिंग रखी जाती है 15 into
10 सेंटीमीटर, और अगर हिल्स की बात करें मतलब एक जो है पर मीटर स्क्वायर में कितने हिल्स जो हैं ऑक्यूपाइड होते हैं, तो 66 हिल्स जो हैं पर मीटर स्क्वायर में आते हैं। और देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन राइस में हमने देखा कि शॉर्ट ड्यूरेशन राइस के लिए 2-3 सीडलिंग्स पर हिल्स लगाए जाते हैं। इसी तरह से देखिए मीडियम में देखिए स्पेसिंग बढ़ रही है, 20-15 हो गया, यहाँ पे 50 हिल्स जो है पर मीटर स्क्वायर आते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन राइस में 20-15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग के साथ 33 हिल्स जो हैं पर मीटर स्क्वायर में आते हैं। ये मीडियम टू लो फर्टिलिटी। नाउ अगर हाई फर्टिलिटी की बात की जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन राइस के लिए 20-10 सेंटीमीटर जो है स्पेसिंग ली जाती है, और देखिए 50 हिल्स पर मीटर स्क्वायर आते हैं इसमें। और देखिए मीडियम में 20-15, इसमें देखिए 33 हिल्स जो हैं पर मीटर स्क्वायर में आते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन में देखिए 25 हिल्स जो हैं 20x20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में 25 हिल्स जो हैं पर मीटर स्क्वायर में आते हैं। तो देखिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो स्पेसिंग है उसको देखिए आप किस तरह से याद रखेंगे। देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में 15-10, अब देखिए मीडियम में देखिए यहाँ पे 5 प्लस कर दे 20 और इसमें 5 प्लस 15 मीडियम। अब देखिए लॉन्ग के लिए भी सेम है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 20-10 है, और देखिए मीडियम के लिए 20-15, 5 प्लस करेंगे यहाँ पे 15, और लॉन्ग के लिए देखिए 20-20 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसकी स्पेसिंग को याद रखेंगे। तो देखिए ये तो है कि प्लांटिंग जो किस तरह से जो की जाती है उसमें जो है किस तरह से जो है मीडियम टू लो फर्टिलिटी में जो है जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से स्पेसिंग में लिए जाते हैं। देखिए अदर्स जो मैनेजमेंट किए जाते हैं राइस कल्टीवेशन में, फॉर एग्जांपल वीड मैनेजमेंट किया जाता है इसमें मैनुअल मेथड एज वेल एज इक्विपमेंट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, और वीडिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं वीड को रिमूव करने के लिए। जो राइस फील्ड में जो कॉमनली जो वीड ऑक्यूपाइड होती है काइनोकोला स्पीसीज जो है जो कॉमनली राइस फील्ड में पाई जाती है वीड, तो इसके लिए जो है मैनुअल मेथड और एज वेल एज इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं इनको सप्रेस करने के लिए और इनको रिमूव करने के लिए। देखिए वीड मैनेजमेंट के साथ साथ जो अदर मैनेजमेंट है लाइक बी हसनिंग एक टर्म यूज़ होता है जिसमें क्रॉस प्लोइंग की जाती है राइस फील्ड में, जिसमें जो है जिसका ऑब्जेक्टिव होते हैं वीड मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड, और जो है बेटर एरिएशन के लिए और रिवीट को रिमूव करने के लिए सॉइल में न्यूट्रिएंट की यूनिफॉर्मिटी के लिए जो है बी हसनिंग की जाती है। और बी हसनिंग टर्म जो है वो राइस के रिगार्डिंग है, राइस फील्ड के रिगार्डिंग है जिसमें क्रॉस प्लोइंग की जाती है यंग क्रॉप, मतलब 4-6 वीक की जब क्रॉप हो जाती है आफ्टर शोइंग, तो विद लाइट कंट्री प्लो जो है 3-10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में क्रॉस प्लोइंग की जाती है, तो दैट इज बी हसनिंग। तो देखिए ये मैनेजमेंट जो है राइस में किए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है। और बायोफर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, बायोफर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो कि 10 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग के आफ्टर 10 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग जो है बायोफर्टिलाइजर का एप्लीकेशन दिया जाता है राइस में। और गैप फिलिंग भी एक मैनेजमेंट है जिसमें जो कि 7-10 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग के बाद किया जाता है, जब ट्रांसप्लांटिंग को 10 दिन या 7-10 दिन हो जाते हैं तब गैप फिलिंग की जाती है, मतलब जहाँ पे जो गैप होते हैं उनको फिल करने के लिए वहाँ पे सीडलिंग्स लगाए जाते हैं या जो स्पेस है उसे मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ मैनेजमेंट्स हैं जो किए जाते हैं राइस में, कॉमनली राइस में, या अगर कोई मेथड भी अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसमें भी ये सारे मैनेजमेंट किए जाते हैं। अब देखिए जो मेथड है इसमें जो ईल्ड होती है इट इज़ 4,000-6,000 केजी पर हेक्टेयर ग्रेन ईल्ड है, और 8,000-10,000 केजी पर हेक्टेयर जो है स्ट्रॉ ईल्ड है। तो ये जो है इसकी ईल्ड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वेट सीडेड पडल लोलैंड राइस। देखिए लोलैंड राइस मतलब फ्लडेड कंडीशन में जो है, फ्लडेड कंडीशन या इरिगेटेड कंडीशन। अब देखिए जो वेट सीडेड पडल राइस है, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है कि जो मेन फील्ड प्रिपरेशन की जाती है ड्यूरिंग द रिसीविंग ऑफ शार, जब जो है शार रिसीव मतलब जो है रेनफॉल के टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मई जून के टाइम पे जो है मेन फील्ड की प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें जो है रिपीटेड प्लोइंग की जाती है फील्ड में, ताकि जो मॉइस्चर है वो कंजर्व हो सके और वीड और क्लॉट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएं। और जब इसमें जो है इनफ सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर सॉइल में अवेलेबल होता है उस टाइम पे जो है शोइंग की जाती है। देखिए वेट सीडेड लोलैंड राइस में जो सीडेड होता है इट इज़ अराउंड 60 kg per hectare। 60 kg per hectare का जो है इसमें सीड रेट होता है, और मल्टीपल क्रॉपिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन मेन्योर इनकॉर्पोरेटेड जो है 40 cm ग्रोथ विद वन मंथ बाय कोनोवीडर जो है इसमें यूज़ किया जाता है ग्रीन मेन्योरिंग के लिए। और जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन होती है इट इज़ अराउंड 2.5 cm। 2.5 cm जो है डेप्थ ऑफ इरिगेशन इसमें जो है वीडेड वेट वीडेड पडल राइस में होती है। और जो बेसिकली जो सीड शोइंग की जाती है वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या ड्रम सीडर जो है यूज़ किया जाता है फॉर यूनिफॉर्म शोइंग। अब देखिए जो वेराइटीज़ इसमें यूज़ होती हैं वो देखिए पोन्नमानी वेराइटी, जो कि 162-165 days का इसका ड्यूरेशन है ग्रोथ, और ये अगस्त के टाइम पर जो है शो की जाती है अगस्त के टाइम पर। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रूव्ड वाइट पोन्नमामी, ये जो है आपकी 125-135 days इसका टाइम ड्यूरेशन है ग्रोथ का, और ये सितंबर में जो है शो की जाती है। तो ये जो कुछ वैरायटी हैं जो वेट सीडेड पडल लोलैंड राइस में जो है कल्टीवेट की जाती हैं, और देखिए इसमें जो है इम्प्रूव्ड वाइट पोन्नी के साथ साथ IR20 जैसी वैरायटी भी जो है वेट सीडेड पडल लोलैंड राइस में जो है कल्टीवेट की जाती हैं। देखिए वेट सीडेड पडल राइस में जो थिनिंग और गैप फिलिंग की जाती है ये अराउंड जो है आपके 14 to 21 days आफ्टर शोइंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो मैनेजमेंट है ये 14 to 21 days में किया जाता है गैप फिलिंग का। So this is all about wet seeded puddle lowland rice. Now we'll move to dry seeded rain fed unpuddled lowland rice. देखिए ये जो है unpuddled lowland rice, ये rain fed rice है। rain fed मतलब जो water, जो moisture है वो rain के through जो है soil में अवेलेबल होता है। तो ये जो है रेनफेड कंडीशन मतलब रेन के थ्रू जो है इसमें, इसे रेनफेड राइस भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो सीड रेट है ये 75 kg का सीड रेट है, और सीड ड्रिल इसमें यूज़ किया जाता है, ड्रिल 20 cm इंटर रो स्पेसिंग इसमें ली जाती है। सीड ड्रिल देखिए इक्विपमेंट है जिसमें जो है सीड्स को इक्विपमेंट में डाला जाता है, और वो जो है प्रॉपर मेजरमेंट और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ सीड को जो है फील्ड में शो करता है, दैट इज सीड ड्रिल। देखिए जो सीड्स होता है वो बिहाइंड द कंट्री प्लो भी जो है शो किया जा सकता है। इट इज़ एन अनदर मेथड ऑफ सीड शोइंग, जिसमें जो है प्लोइंग की जाती है, और पीछे से जो है इसमें जो प्लोइंग की जाती है, जो फरोज ओपन होते हैं तो उसमें सीड को जो है शो किया जाता है साथ ही साथ प्लोइंग के साथ। तो दैट इज सीट बिहाइंड द कंट्री प्लो, सीट कैन बी शोन बिहाइंड द कंट्री प्लो। देखिए जो डेप्थ है सीट शोइंग की वो 3 to 5 cm रखी जाती है, और जो NPK का नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का जो डोज होता है वो 50 to 25 जो है रखा जाता है। देखिए जो ड्राई सीडेड रेन फेड जो राइस है वो बेसिकली जो है आपका उसका जो सीजन होता है इट इज जून जुलाई में जो है कोस्टल रीजन में और सितंबर अक्टूबर में जो है कोस्टल सदर्न डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो जून जुलाई वाला है वो कोस्टल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, और जो सदर्न वाला जो सितंबर अक्टूबर है वो कोस्टल सदर्न डिस्ट्रिक्ट, इन एरियाज में जो है
ड्राई सीडेड रेन फेड अनपडल लोलैंड राइस को जो है कि जो मेथड है उसे अडॉप्ट किया जाता है। और बेसिकली ये जो एरियाज हैं ये तमिलनाडु के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स एरिया हैं वहाँ पे बेसिकली ये जो मेथड है ड्राई सीडेड वाला ये जो है प्रैक्टिस किया जाता है फ्रिक्वेंटली इन एरियाज में। और जो ईल होती है वो 50-70% ऑफ नॉर्मल राइस की जो ईल होती है उसका 50-75% होती है इन ड्राई सीडेड रेनफेड अनपडल्ड राइस में। तो ये था इसका अनदर मेथड। नाउ विल मूव टू फर्दर हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं ड्राई सीडेड अपलैंड हाइब्रिड राइस की। देखिए अपलैंड का मतलब होता है इट इज़ अ फ्लैट लैंड, यहाँ पे जो है फ्लडेड कंडीशन जो है यहाँ पे नहीं होती है फ्लडेड कंडीशन। ये फ्लैट लैंड होता है जिसमें बेसिकली रेनफेड या सप्लीमेंटल इरीगेशन जो है दिया जाता है। और यहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो सोलली रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो अपलैंड राइस इज बेसिकली रेनफेड राइस जहाँ पे जो है फ्लैट लैंड का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो सीड रेट है हाइब्रिड का 20 kg होता है। इट इज़ बेसिकली 15-20 kg। हाइब्रिड राइस वेरी करता है 15-20 kg। और इसका जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है आफ्टर 22-25 days ऑफ शोइंग जो है इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है 21-25 दिन के बाद। और सीडलिंग इसमें जो है 1 seedling पर हिल इसमें लगाया जाता है। और देखिए स्पेसिंग जो है वो 20x10 जिसमें 50 हिल्स पर मीटर स्क्वायर आते हैं। अगर 20x10 की स्पेसिंग है सेंटीमीटर की, अगर 25x10 की है सेंटीमीटर की तो 40 हिल्स पर मीटर स्क्वायर जो हैं राइस के आते हैं। और अगर फर्टिलाइजर डोज की बात की जाए तो देखिए 175:60:60 का रेशियो है आपके ड्राई सीडेड अपलैंड राइस में। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, देखिए इसमें 2 kg पर परसेंट ऑफ नर्सरी एरिया में जो है अब बेसल डोज जो है इसमें दी जाती है 2 kg ऑफ न्यूट्रिएंट। और 4 kg जो है इसमें जिप्सम दिया जाता है हैवी 10 days बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग से 10 दिन पहले जो है जिप्सम का एप्लीकेशन जो है सॉइल में दिया जाता है। और नर्सरी मैनेजमेंट में जो है देखिए यहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन होता है इसमें अगर सॉइल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जांपल सोडिक सॉइल है या सॉइल ज़्यादा एल्कलाइन जो है फीचर्स शो कर रही है या बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इनको जो है करेक्ट करने के लिए जो है इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर सोडिक सॉइल है तो उसे जो है करेक्ट करने के लिए जो है फ्लडेड कंडीशन यूज़ की जाती हैं, वाटर फ्लडिंग की जाती है ताकि जो हार्मफुल जो सॉल्ट्स हैं वो लीच डाउन हो जाएं। या अगर एल्कलाइन सॉइल है तो एल्कलाइन सॉइल में जो है उसके पीएच को जो है नॉर्मल करने के लिए जो है उसमें करेक्शन किया जाता है। अगर एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल में किया जाता है। तो इस तरह से जो है इन्हें करेक्ट करने के लिए भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं। तो दिस ऑल अबाउट ड्राई सीडेड अपलैंड हाइब्रिड राइस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं SRI टेक्निक ऑफ राइस के बारे में, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। देखिए इसे स्क्वायर प्लांटिंग भी कहते हैं जिसमें देखिए राइस को जो है जो सीड रेट होता है 7-8 kg पर हिल लिया जाता है। और नर्सरी एरिया इसमें 100 m² का फॉर पर हेक्टेयर, 1 hectare के लिए 100 m² का एरिया लिया जाता है। और देखिए SRI मेथड में बेसिकली जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है सीडलिंग की वो 14 days में, देखिए 14 days बाद जो है सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मेन फील्ड में। और इसमें 1 seedling पर हिल लगाई जाती है, 1 seedling को 1 hill में लगाया जाता है जिसमें देखिए 25x25 cm की स्पेसिंग अडॉप्ट की जाती है SRI में। और ये जो SRI मेथड होता है बेसिकली हाइब्रिड वैरायटी के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। और इसमें देखिए जो फिलअप्स की जाती हैं गैप्स को जो फिल किया जाता है वो 7-10 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब ट्रांसप्लांटिंग को जो है 10 दिन या 7 दिन से 10 दिन हो जाते हैं उस टाइम पे जो है ट्रांसप्लांटिंग सॉरी उस टाइम पे जो है गैप फिलिंग की जाती है।
और जो ट्रांसप्लांटिंग होती है वो विद इन द 30 मिनट्स ऑफ पुलिंग आउट ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग को 30 मिनट मतलब जो 30 मिनट होते हैं विद इन द 30 मिनट्स आफ्टर पुलिंग, सीडलिंग को फील्ड से नर्सरी से रिमूव करने के बाद, नर्सरी से पुल आउट करने के बाद 30 मिनट के अंदर जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। देखिए मॉइस्ट सॉइल में जो है 10 डेज एट मैक्सिमम डेट 2.5 सेंटीमीटर तक का जो वाटर मैनेजमेंट है उसे, वाटर लेवल है उसे मेंटेन किया जाता है अंटिल पैनिकल इनिशिएशन। देखिए पैनिकल इनिशिएशन तक जो है 2.5 सेंटीमीटर तक का जो वाटर है वो मैनेज किया जाता है और जो इरिगेशन डेप्थ है उसे 5 सेंटीमीटर कर दिया जाता है आफ्टर पैनिकल इनिशिएशन। देखिए वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है राइस की वो कंपैरिजन टू अदर क्रॉप बहुत हाई होती है और इसकी जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, देखिए जो क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है वो स्टेज जिस स्टेज में जो है वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की हाई होती है, दैट इज़ क्रिटिकल स्टेज। मतलब उस स्टेज में जो है प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट जो है कंपैरिजन टू अदर स्टेजेस हाई होती है। फॉर एग्जांपल राइस में जो क्रिटिकल स्टेज है वाटर की वो पैनिकल इनिशिएशन है, पैनिकल इनिशिएशन, बूटिंग स्टेज, हेडिंग स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज। तो ये जो है राइस में क्रिटिकल स्टेज है वाटर रिक्वायरमेंट की। तो देखिए जो पैनिकल इनिशिएशन होता है, जब पैनिकल इनिशिएशन से अनटिल पैनिकल इनिशिएशन जो डेप्थ होती है वाटर की वो 2.5 सेंटीमीटर है। आफ्टर पैनिकल इनिशिएशन जो है डेप्थ को इंक्रीज कर दिया जाता है, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए आफ्टर पैनिकल इनिशिएशन। तो ये जो है क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जो मैंने आपको बताई और वो इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल स्टेज पता होनी चाहिए राइस की कि जो क्रिटिकल स्टेज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो मेथड है ड्राई सीडेड रेन फेड अनपडल्ड लोलैंड राइस विद सप्लीमेंटल इरिगेशन। देखिए यहाँ पे जो मेथड है, यहाँ पे देखिए ये रेन फेड मेथड है और अनपडल्ड है। लोलैंड राइस मतलब रेन फेड कंडीशंस या फ्लडेड कंडीशन यहाँ पे है, पर देखिए यहाँ पे जो रेन फेड कंडीशंस होती हैं मतलब यहाँ पे जो राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, क्रॉप जो फील्ड में इस्टेब्लिश की जाती है, तो रेनफॉल वाटर को जो है विलेज एरिया में या जो है फील्ड में जो है स्टोर किया जाता है ताकि जब पीक रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइम पे पीक रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे जो है एज अ सप्लीमेंट इरिगेशन जो है क्रॉप को वाटर को प्रोवाइड किया जा सके। दैट्स व्हाई इट इज़ सप्लीमेंटल इरिगेशन। देखिए इसे जो है सेमी ड्राई राइस कहा जाता है और ये जो है एज अ रेन फेड राइस ही ग्रो होता है, बट यहाँ पे जो है जो सप्लीमेंट इरिगेशन टर्म यहाँ पे ऐड किया गया है वो जो कलेक्टेड वाटर होता है रेनफॉल वाटर जब उसे यूज किया जाता है तो वो टर्म जो है उसके कारण यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो है जो एरियाज है इन एरियाज में शिवगंगा एरिया जो है, तिरुवरूर एरिया जो है, नागपत्तिनम एरिया है, यहाँ पे बेसिकली जो है इस मेथड को यूज़ किया जाता है और यहाँ पे जो है वाटर को कलेक्ट किया जाता है फॉर पीक डिमांड ऑफ क्रॉप। जब पीक डिमांड होती है, फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकल स्टेज जो है, जो क्रिटिकल स्टेज मैंने आपको बताई, अगर उस टाइम पे जो है सॉइल में इनफ सफिशियंट अगर सफिशियंट मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे जो है सप्लीमेंटल इरिगेशन का यूज़ किया जाता है, सप्लीमेंटल वाटर का यूज़ किया जाता है। देखिए जो इसमें सीजन है वो जुलाई अगस्त, जिसमें कांचीपुरम और तिरुवल्लर और कन्याकुमारी में जो है जुलाई अगस्त में इसे शो किया जाता है, और अगस्त में जो है नागपत्तिनम में, तिरुवरूर में और पुदुकोटाई में जो है इसे लगाया जाता है। देखिए और नेक्स्ट है सितंबर अक्टूबर, जिसमें रामनंथपुरम और शिवगंगा में जो है सितंबर अक्टूबर में जो है इसे शो किया जाता है। तो देखिए डिफरेंट सीजन फॉलो होते हैं ड्राई सीडेड रेन फेड अनपडल लोलैंड राइस विद सप्लीमेंटल इरिगेशन। तो ये मेथड जो है ये स्पेसिफिकली कुछ एरियाज में फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट और जो रेनफॉल होता है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड होता है। और इसमें बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी को यूज़ किया जाता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है राइस की अराउंड अप टू 120 डेज या लेस देन 120 डेज में जो है जो ग्रो कर जाती हैं उन वैरायटीज़ को यूज़ किया जाता है, और
अदर जो मैनेजमेंट है वो एज पर द रेन फेड राइस ही फॉलो किए जाते हैं। तो ये था आपका ड्राई सीडेड रेन फेड राइस। तो ये थे राइस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट राइस। सो वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ एग्रोनॉमी हेयर। We'll discuss the next module very soon. I hope you guys will understand this as well. So, chaliye milte hain next topic mein. Till then, you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.